हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ बेंथली ऑटोमेटिक। ये आप देख सकते हैं इसकी इनसाइड लुक। ये है बेंथली, ये यहाँ से स्टार्ट होती है। अभी मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ। ये जो गाड़ी स्टॉप हो गई है, अभी मैं इसको स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये इसका स्टार्ट का बटन है। ये स्टार्ट हो चुकी है। उसके बाद ये इसकी हैंड ब्रेक है। ये आपने ऐसे उंगली डाल के इसको ऊपर खींचेंगे। ये जो है अभी लागी है, यहाँ पे लाइट जलेगी और आगे मीटर में भी जो है ये यहाँ पे शो होगा। उसके बाद इसको रिमूव करने के लिए ऊपर से नीचे दबाना है, ये रिमूव हो जाएगी। उसके बाद यहाँ से इसके गियर लगते हैं। ये इसका लीवर है और ये जो बी लिखा है ये क्लच है। आपने ऐसे इसको ऊपर से नीचे दबाना है। ये दबा के आप इसको पीछे खींचेंगे तो ये डी लग गया है, जिसमें ऑटोमेटिक गाड़ी आगे चलती है और आगे मीटर में भी देख सकते हैं डी शो होगा। उसके बाद क्लच दबा के आपने इसको आगे करना है न्यूट्रल, और फिर ये क्लच है, लीवर क्लच दबा के आपने लीवर को आगे करेंगे तो ये आर में लाइट जलेगी और आगे मीटर में भी जो है आर शो होगा। और ये इसका बैक कैमरा है और ये सेंसर। उसके बाद गाड़ी पार्किंग करने के लिए ये जो पी लिखा है इसको आपने ऐसे ऊपर से दबाना है तो गाड़ी पार्किंग हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं, ये है बेंथली। अभी मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, ये लीवर क्लच है ऊपर, क्लच को दबा के आगे दबाएंगे तो न्यूट्रल हो जाएगी, फिर आगे करेंगे तो बैक गियर लग जाएगा, और फिर पीछे खींचेंगे न्यूट्रल, और फिर पीछे खींचेंगे तो ये इसका डी लग गया है, जिसमें ऑटोमेटिक गाड़ी आगे चलती है। और गाड़ी पार्किंग करने के लिए आपने पी को दबाना है, ये गाड़ी पार्किंग हो गई है। ये इसकी हैंड ब्रेक है, ये इसके फोर इंडिकेटर फ्लैशर के बटन है। उसके बाद यहाँ से गाड़ी स्टार्ट होती है और एसी सिस्टम के सामने दिया है। यहाँ से आप ज़्यादा कम कर सकते हो, टेम्परेचर आपको कितना रखना है, लो हाई यहाँ से सेटिंग कर सकते हो। ये म्यूजिक टच में भी दिया है, प्लस आप यहाँ से भी जो है इसकी साउंड ज़्यादा आवाज़ जो है साउंड ज़्यादा कम कर सकते हो। और यहाँ से आप जो है इसका रेडियो है उसके चैनल चेंज कर सकते हो, साउंड भी चेंज कर सकते हो। उसके बाद ये एसी है जो ये दिया हुआ, आपने अगर ज़्यादा कम करना है इसको आप लेफ्ट राइट कहीं भी जो अपने हिसाब से रख सकते हो, और ज़्यादा कम करना है तो इसको अंदर दबाएंगे तो ये बंद हो जाएगा, और थोड़ा पीछे खींचेंगे तो इसकी हवा जो है आपके अगर फेस पे डायरेक्ट लग रही है तो आप ज़्यादा कम यहाँ से कर सकते हो। ये इसके बटन दिए हैं। ये इसकी हेडलाइट की सेटिंग है, यहाँ से आप जो है ऑटो पे भी रख सकते हो, हाईवे पे अगर बारिश है उसमें आपने अप डाउन करनी है तो यहाँ से जो है हेडलाइट की सेटिंग कर सकते हो। और जो लेफ्ट राइट मिरर है जिनमें हम साइड पीछे देखते हैं उनकी सेटिंग यहाँ से होती है। ये आप देख सकते हैं लेफ्ट राइट मिरर की सेटिंग यहाँ से होती है। और लॉक अनलॉक का बटन ये दिया है, यहाँ से लॉक और यहाँ से डोर जो अनलॉक होते हैं। उसके बाद फ्रंट और रियर के जो ग्लास हैं डोर ग्लास वो यहाँ से अप डाउन होते हैं। बच्चों की सेफ्टी के लॉक दिए हैं लेफ्ट राइट। और जो है ये आप देख सकते हैं स्टीयरिंग में भी म्यूजिक जो है आप कंट्रोल कर सकते हो, ये आप देख सकते हैं। और ये स्टीयरिंग के राइट साइड में ये वाइपर का दिया है, अगर बारिश हो रही है तो आप वाइपर लो हाई अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हो। उसके बाद ये हेडलाइट इंडिकेटर जो है लेफ्ट राइट उनकी सेटिंग है। और ये देख सकते हैं इसका आगे मीटर है, ये देख सकते हैं। इसमें एक मेन चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये जो पेट्रोल टैंकी का जो है निशान दिया है तो इसकी जो टैंकी राइट साइड में है, ये आप देख रहे हैं टैंकी के निशान पे राइट में अगर निशान है तो आपने पेट्रोल पंप में गाड़ी खड़ी करनी है तो राइट साइड से जो है पेट्रोल की टैंकी का ढक्कन ओपन होगा। तो अगर ये इरोर लेफ्ट साइड में है तो फिर लेफ्ट साइड में जो है पेट्रोल टैंकी है। ये है बेंटली, आप देख सकते हैं इसकी इनसाइड लुक। और ये इसका छत ऊपर से ओपन है, यहाँ से आप जो है ये देखो ये स्विच है, इसको आगे दबाएंगे तो ऊपर से जो है छत बंद हो जाएगा और पीछे दबाएंगे तो खुल जाएगा।
सभी दोस्तों से गुजारिश है मेरे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं हर गाड़ी की वीडियो जो है इनसाइड लुक गियर जो भी न्यू वर्जन है वो आपको मैं जो है दिखाऊंगा। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। दोस्तों क्या हाल चाल है, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ BMW 520i 520i। ये मैं गाड़ी के इनसाइड में आ गया हूँ। ये है BMW 520i। ये इसका स्टीयरिंग है। स्टीयरिंग के राइट साइड में यहाँ पे स्टार्ट का बटन दिया है, यहाँ से स्टॉप ही होती है। अभी मैं गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ, ये स्टार्ट हो गई है। और ये इसके गियर का लीवर है, ये दिया है पार्किंग करने के लिए। पी को ऊपर से नीचे पुश करना, गाड़ी पार्किंग हो जाएगी। और उसके बाद ये ऑटोमेटिक गाड़ी जो डी में अक्सर आगे चलती है, और ये डी लग गया है। और आगे मीटर में भी शो होगा डी। क्लच दबा के आगे पुश करेंगे तो एन यानी न्यूट्रल, फिर ये क्लच है इसका, ये दबा के आगे पुश करेंगे। ये बैक गियर लग गया है, ये इसका बैक कैमरा है विद सेंसर। और ये क्लच है, क्लच दबा के पीछे खींचेंगे न्यूट्रल, फिर पीछे खींचेंगे तो डी लग जाएगा। और पी को ऊपर से नीचे पुश करना है तो गाड़ी पार्किंग हो जाएगी। हैंड ब्रेक ये दी है, ऊपर से नीचे करेंगे रिमूव हो जाएगी। और लगाने के लिए ये उंगली नीचे डाल के ऊपर की तरफ खींचेंगे तो ये लाइट जलेगी, यानी गाड़ी जो है खड़ी है, हैंड ब्रेक लग गई है। और आगे भी मीटर में शो होगा ये हैंड ब्रेक का पी। उसके बाद इसका ये एसी सिस्टम सामने दिया डैशबोर्ड में, यहाँ से आप स्लो भी कर सकते हो, हाई भी कर सकते हो, एटो पी भी रख सकते हो। म्यूजिक सिस्टम भी सामने दिया है। और ये एसी जो है ज़्यादा चाहिए कम चाहिए, यहाँ से आप इसको राइट साइड घुमाएंगे कम हो जाएगा, लेफ्ट साइड घुमाएंगे ये देखो, आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हो। प्लस जो इसके आगे सेंसर हैं लेफ्ट राइट जो गाड़ी आवाज़ करेगी, ये लाइट जल रही है, ऊपर से नीचे पुश करेंगे तो ये जो ऑफ हो जाएगा। तो अगर इसको आप ऑन रखेंगे तो गाड़ी लेफ्ट राइट नज़दीक है तो आवाज़ आएगी, जैसे ये आगे शो हो रहा है LCD में। प्लस ये स्टीयरिंग के राइट साइड में यहाँ से आप कॉल पिक भी कर सकते हो और म्यूजिक कंट्रोल भी कर सकते हो। और स्टीयरिंग के लेफ्ट साइड में यहाँ पे हेडलाइट की सेटिंग दी है, आप ऑटोमेटिक भी रख सकते हो इसको। नीचे ऊपर भी हाईवे पे जब जा रहे हो, लाइट अप करनी है डाउन करनी है, यहाँ से कर सकते हो। और इसका लॉक अनलॉक का बटन जो है यहाँ दिया है, जहाँ से बारी खोलते हैं यहाँ पे दिया है डोर लॉक अनलॉक। प्लस इसके जो लेफ्ट राइट मिरर हैं उनकी सेटिंग यहाँ पे दी है। ये स्विच को आप राइट साइड क्लिक करेंगे इस साइड तो राइट जो साइड शीशा है उसकी आप सेटिंग कर सकते हो। और इसको जो है लेफ्ट साइड करेंगे तो ये जो शीशा है इसकी सेटिंग कर सकते हैं आप। और ये जो दिया है इसको ऊपर से नीचे क्लिक करेंगे तो देखो शीशे जो दोनों
अंदर हो जाएंगे और इसको जो है आप फिर ऊपर से नीचे पुश करेंगे, शीशे दोनों जो साइड के अपनी जगह पे वापस खुल जाएंगे। और ये जो ग्लास का आगे और पीछे के डोर के हैं अप डाउन कर सकते हो, अगर गाड़ी में बच्चे बैठे हैं तो यहाँ से आप इस पीछे जो पैसेंजर के दो बारी के शीशे हैं उनको लॉक भी कर सकते हो। प्लस इसकी जो डिक्की है वो यहाँ से खुलती है, इसको आप क्लिक करोगे पीछे जो डिक्की खुल जाएगी। और बांट खोलने के लिए वो सामने दिया है, उसको आपने नीचे उंगली डाल के पीछे की तरफ खींचना है। ये है BMW 520 की इनसाइड लुक और इसके ऊपर ये जो है गिलास है, आप इसको जो है ये इसका सोच दिया है, इसको आगे की तरफ पुश करेंगे बंद हो जाएगा और पीछे की तरफ पुश करेंगे तो खुल जाएगा। ये है इसकी इनसाइड लुक BMW 520i। सभी दोस्तों से गुजारिश है, मैं हर गाड़ी की जो है इनसाइड वीडियो आपको दिखाऊंगा, गाड़ी कहाँ से स्टार्ट होती है, गियर कहाँ से लगते हैं, हैंड ब्रेक कहाँ पे है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ मर्सिडीज S500 ऑटोमेटिक कार। ये आप देख सकते हैं इसकी इनसाइड लुक, ये एकदम न्यू है 2021 मॉडल। और ये इसका स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग के राइट साइड में यहाँ पे स्टार्ट और स्टॉप का बटन दिया है। उसके बाद यहाँ से इसके गियर लगते हैं, ये आप देखते हैं PR&D लिखा है। और ये स्टीयरिंग के नीचे है, आपने इसको ऐसे आगे पुश करेंगे तो बैक गियर लग जाएगा। ये इसका बैक कैमरा है, ये विद सेंसर। उसके बाद जो है आगे मीटर में भी जो है ये आर शो होगा। उसके बाद न्यूट्रल करने के लिए ये जो इसका लीवर है इसको पीछे खींचेंगे तो ये न्यूट्रल होगी, ये एन आ गया। और फिर इसको ऐसे पीछे खींचेंगे तो जो है डी ऑटोमेटिक गाड़ी जिसमें आगे चलती है। वापस पार्किंग करने के लिए ये जो लीवर है इसको यहाँ से दबाना है, आपने इसको अंदर पुश करना है, गाड़ी पार्किंग हो जाएगी। और यहाँ पे भी आगे जो है ये पीछे होगा। उसके बाद यहाँ से आप मोबाइल कनेक्ट कर सकते हो, स्क्रीन जो है इसकी LCD है, इसी में कैमरा है, सेंसर है, म्यूजिक है, AC है, एवरीथिंग जो है सब टच में है। उसके बाद हेडलाइट की सेटिंग यहाँ से होगी, आपने ऑटो पे रखनी है, हाई पे रखनी है, अपने हिसाब से आप डाउन कर सकते हो। उसके बाद ये जो उसके लेफ्ट और राइट मिरर हैं जिनमें साइड हम पीछे देखते हैं, ये पूरे टच में, आपने इसको टच करना है और यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हो। ये पूरे जो निशान दिए पूरे टच में है। फ्रंट और जो बैक के डोर के गिलास है वो यहाँ से अप डाउन होते हैं। और बच्चों की सेफ्टी का लॉक अनलॉक जो ये है ये भी टच में है। उसके बाद जो इसकी ड्राइवर साइड सीट है ये पूरा टच सिस्टम है, आपने टच करना और इसको आगे पीछे जो है पुश करना है। और उसके बाद यहाँ से इसका डोर ओपन होता है और लॉक अनलॉक का बटन ये है, यहाँ से अनलॉक होगा, यहाँ से लॉक होगा। उसके बाद स्टीयरिंग में यहाँ से आप कार रिसीव कर सकते हो, कट कर सकते हो, म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन इसमें जो है पूरा टच में दिया हुआ है, ये पूरा स्क्रीन सिस्टम है इसमें, आप देख सकते हैं पूरा सिस्टम जो है इसका टच में दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आप जो है फ़ोन चार्जिंग पर लगा सकते हो, USB वगैरह। उसके बाद इसके फोर इंडिकेटर यहाँ से जो है टच में, आपने यहाँ टच करना, फोर इंडिकेटर जो जलेंगे, यहाँ से साउंड जो है ज़्यादा करनी हो कम करनी हो आप कर सकते हो, यहाँ से म्यूज़िक ऑफ कर सकते हो, यहाँ से जो है इसकी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। पूरा सिस्टम जो है इसका टोटली टच में दिया है। और जो राइट साइड पैसेंजर की सीट है वहाँ पर सिस्टम पूरा दिया है टच में, आप सीट को एडजस्टमेंट कर सकते हो। और ये है इसकी इनसाइड लुक, आप देख सकते हैं
और जो बैक साइड पैसेंजर बैठेंगे वो अपनी जो एसी को यहाँ से जो है अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं। पूरा टच सिस्टम है, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ से इसका जो छत ओपन होता है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ से बंद होता है, लाइट टच में है, डिक्की भी यहाँ से टच में खुलती है। ये है मर्सिडीज टॉप मॉडल है, ये आप देख सकते हैं। मैं आपको इसकी बैक साइड की लुक दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं। इसके बैक साइड में बच्चों के लिए गेम के लिए एलसीडी लगी है, और जो बैक सीटें हैं वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप सेटिंग कर सकते हो आगे पीछे, पूरे टच में है। अभी ये देखो, मैं गाड़ी को लॉक करने जा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं इसकी इनसाइड लुक। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ लेक्सस RX 450। लेक्सस दूसरी गाड़ियों से बहुत ही मुख्तलिफ है। ये है इसकी इनसाइड लुक। आप जब गाड़ी में बैठोगे तो स्टेयरिंग के राइट साइड में यहाँ पे इसका स्टार्ट का बटन दिया, जिसके ऊपर लिखा पावर। आप इसको, अभी मैं इसको दबा रहा हूँ, पुश करेंगे तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, आगे ये लिखा हुआ आएगा, दिख रहा है। आप जितनी बार मर्जी इसको जो है पुश कर लो, ये कभी भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। दूसरी गाड़ी से बहुत मुख्तलिफ है। इसका ये रिमोट है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इसका रिमोट है। आपने रिमोट को ऐसे यहाँ पे इसके साथ जो स्टार्ट बटन है उसके साथ टच करना है, उसके बाद अभी गाड़ी स्टार्ट हो गई है। जब तक आप, ये इसका रिमोट है, जब तक रिमोट को यहां टच नहीं करोगे कभी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। ये है 450 RX Lexus। अभी ये गाड़ी स्टार्ट हो गई है, ये इसकी इनसाइड लुक है। उसके बाद इसकी हैंड ब्रेक है जो लेफ्ट साइड पाम में दी है, पुल एंड पुश। और इसका गियर का लीवर आगे डैशबोर्ड में दिया है, ये इसका गियर का लीवर है, कोई इसमें क्लच सिस्टम नहीं है। आपने पकड़ना राइट तरफ करके पीछे खींचेंगे तो ये इसका बैक गियर लग गया, इसका बैक कैमरा आगे है, डैशबोर्ड के अंदर स्क्रीन दी है। उसके बाद पीछे खींचेंगे तो गाड़ी न्यूट्रल होगी और आगे मीटर में भी शो होगा एन, फिर पीछे खींचेंगे तो डी लग जाएगा। और हैवी पावर गियर के लिए ये इसका लीवर है, पकड़ के लेफ्ट साइड खींचेंगे तो आगे देखो मीटर में शो हो रहा है S4, S3, S2, S1। इसके गियर जो है डाउन करने के लिए इसको आगे पुश करना है, ये आगे, और गियर जो है हाई करने के लिए पीछे की तरफ खींचना है। और ये लीवर को पोड़ के राइट साइड पुश करेंगे तो डी लग जाएगा, जिसमें ऑटोमेटिक गाड़ी आगे चलती है, और इसमें क्लच सिस्टम नहीं है। अभी ये गाड़ी पार्किंग हो गई है। इसका एसी सिस्टम सामने दिया है, यहाँ से आप कम कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो। और इसका म्यूजिक सिस्टम ये सामने दिया है, इसके फ्लैशर यहाँ पे दिए हैं, और यहाँ पे आप पेप्सी पानी वगैरह रख सकते हो। और आप ये स्टेयरिंग में दिया, यहाँ से कॉल रिसीव कर सकते हो, म्यूजिक कंट्रोल भी कर सकते हो। और लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड मिरर में दिया यहाँ पे लेफ्ट राइट की सेटिंग। ये है इसकी इनसाइड लुक। और ध्यान रखें, दूसरी गाड़ियों से बहुत मुख्तलिफ है, ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई जब तक आप, ये इसका रिमोट है, रिमोट स्टार्ट बटन के साथ टच नहीं करोगे कभी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, आप जो मर्जी कर लो। ये है लेक्सस दूसरी गाड़ियों से बहुत मुख्तलिफ, ये इसकी इनसाइड लुक है। और ध्यान रखें, जो है गाड़ी कभी स्टार्ट नहीं होगी जब तक इसका ये रिमोट है, मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूँ, ये रिमोट है।
अभी मैं गाड़ी बंद कर रहा हूँ, ये गाड़ी बंद हो गई है। ओके, अभी मैं रिमोट मैंने पॉकेट में डाला है, अभी इसको स्टार्ट कर रहा हूँ तो नहीं स्टार्ट होगी। वो आगे मीटर में ऐसा लिखा हुआ आएगा, टच पावर स्विच विद की। तो आपने घबराना नहीं है, ये इसका रिमोट है, इसको यहाँ पे बस टच करेंगे, उसके बाद ये गाड़ी स्टार्ट हो गई है। अभी आप रिमोट को कहीं भी रखो, पॉकेट में रखो, सीट पे रखो, कहीं भी रखो, आप जो गाड़ी ड्राइव कर सकते हो। ध्यान रखें 450 RX लेक्सस। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों, ठीक हो? आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ रॉयल राइस कैसे स्टार्ट होती है, इसकी हैंड ब्रेक कहाँ पे है, गियर सिस्टम, एसी सिस्टम, ये आप देख सकते हैं रॉयल राइस। ये इसका स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग के नीचे राइट साइड में ये इसका स्टार्ट बटन है और यहीं से ये ऑफ भी होती है। ये इसका आगे आगे मीटर, मीटर में ये दिया गियर सिस्टम, लेकिन गियर ये हाथ में है, आप यहाँ से इसको पकड़ेंगे तो यहाँ से पुश करना पड़ता है। ये देखो डी, ये एन और ये रिवर्स, और ये इसका बैक साइड कैमरा है, और पार्किंग के लिए ये जो दिया गया है इसको यहाँ से पुश करेंगे, गाड़ी जो है पार्क हो जाएगी। और इसकी हैंड ब्रेक जो है यहाँ पे दी है स्टीयरिंग के राइट साइड में, डैशबोर्ड के ऊपर जो इसके आगे LCD है, बैक कैमरे की स्क्रीन है, उसके साथ में ये दी हुई है। ये देखो इसको यहाँ उंगली डाल के ऐसे पुश करनी पड़ती है, ठीक। इसको ऐटो पे रखना है तो ये ऐटो सिस्टम भी दिया है, प्लस ये जो साथ में इसका दिया है पी, ये सेंसर सिस्टम है। इसको ऑन रखेंगे तो गाड़ी लेफ्ट राइट दीवार गाड़ी को नज़दीक है तो गाड़ी जो है सेंसर आवाज़ करेगा। उसके बाद इसका जो है ये AC सिस्टम दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं, और ये म्यूज़िक सिस्टम है। और ये लेफ्ट साइड में इसकी जो हेडलाइट का ऑप्शन दिया है, ऐटो पे रखना है या हाई पे रखना है। उसके बाद जो लेफ्ट राइट मिरर हैं वो ड्राइवर साइड बारी में यहाँ पे दिए हुए हैं डोर में, आप यहाँ से जो है लेफ्ट राइट शीशे को एडजस्टमेंट कर सकते हो, जैसे भी आपने रखना हो। तो म्यूज़िक सिस्टम इसका स्टीयरिंग में भी दिया हुआ है, यहाँ से आप जो है म्यूज़िक की आवाज़ स्लो ज़्यादा कर सकते हो, और फ़ोन सिस्टम भी दिया है, आप यहाँ से कॉल रिसीव भी कर सकते हो। बाकी इसमें इसके अंदर यहाँ पे आप पानी रख सकते हो, और यहाँ से ऑन करेंगे तो पानी ठंडा रहेगा, पेप्सी भी रख सकते हैं। और इसका लॉक सिस्टम ये दिया हुआ है। बाकी ये इसका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, आप कहीं पे भी हो किस डायरेक्शन में हो ये बताएगा। उसके बाद पीछे पैसेंजर का जो पिछली सीट पे AC सिस्टम अलग से दिया हुआ है, ये इसकी इनसाइड लुक है। इसके छत में जो है गिलास है, आप इसको बंद भी कर सकते हो और ओपन भी कर सकते हो, ये इसकी इनसाइड लुक है रॉयल राइस। अगर इसके दोनों शीशे गाड़ी खड़ी करके क्लोज करनी है तो यहाँ पे ये स्विच दिया है, ये दबाएंगे तो शीशे दोनों साइड के क्लोज हो जाएंगे। सभी दोस्तों से गुजारिश है मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह मैं हर गाड़ी की वीडियो जो है अपलोड करूँगा और आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा गियर के बारे में, हैंड ब्रेक, AC, म्यूज़िक सिस्टम, गियर।
हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ मर्सिडीज S500 ऑटोमेटिक कार। ये आप देख सकते हैं इसकी इनसाइड लुक, ये एकदम न्यू है 2021 मॉडल। और ये इसका स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग के राइट साइड में यहाँ पे स्टार्ट और स्टॉप का बटन दिया है। उसके बाद यहाँ से इसके गियर लगते हैं, ये आप देखते हैं PRND लिखा है। और ये स्टीयरिंग के नीचे है, आपने इसको ऐसे आगे पुश करेंगे तो बैक गियर लग जाएगा। ये इसका बैक कैमरा है, ये विद सेंसर। उसके बाद जो है आगे मीटर में भी जो है ये आर शो होगा। उसके बाद न्यूट्रल करने के लिए ये जो इसका लीवर है इसको पीछे खींचेंगे तो ये न्यूट्रल होगी, ये एन आ गया। और फिर इसको ऐसे पीछे खींचेंगे तो जो है डी ऑटोमेटिक गाड़ी जिसमें आगे चलती है। वापस पार्किंग करने के लिए ये जो लीवर है इसको यहाँ से दबाना है, आपने इसको अंदर पुश करना है, गाड़ी पार्किंग हो जाएगी। और यहाँ पे भी आगे जो है ये पीछे होगा। उसके बाद यहाँ से आप मोबाइल कनेक्ट कर सकते हो। स्क्रीन जो है इसकी LCD है, इसी में कैमरा है, सेंसर है, म्यूजिक है, AC है, एवरीथिंग जो है सब टच में है। उसके बाद हेडलाइट की सेटिंग यहाँ से होगी, आपने ऑटो पे रखनी है, हाई पे रखनी है, अपने हिसाब से अप डाउन कर सकते हो। उसके बाद ये जो उसके लेफ्ट और राइट मिरर हैं जिनमें साइड हम पीछे देखते हैं, ये पूरे टच में, आपने इसको टच करना है और यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हो। ये पूरे जो निशान दिए पूरे टच में है। फ्रंट और जो बैक के डोर के गिलास है वो यहाँ से अप डाउन होते हैं। और बच्चों की सेफ्टी का लॉक अनलॉक जो ये है ये भी टच में है। उसके बाद जो इसकी ड्राइवर साइड सीट है ये पूरा टच सिस्टम है, आपने टच करना और इसको आगे पीछे जो है पुश करना है। और उसके बाद यहाँ से इसका डोर ओपन होता है और लॉक अनलॉक का बटन ये है, यहाँ से अनलॉक होगा, यहाँ से लॉक होगा। उसके बाद स्टीयरिंग में यहाँ से आप कार रिसीव कर सकते हो, कट कर सकते हो, म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन इसमें जो है पूरा टच में दिया हुआ है। ये पूरा स्क्रीन सिस्टम है इसमें, आप देख सकते हैं पूरा सिस्टम जो है इसका टच में दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आप जो है फ़ोन चार्जिंग पे लगा सकते हो, USB वगैरह। उसके बाद इसके फोर इंडिकेटर यहाँ से जो है टच में, आपने यहाँ टच करना, फोर इंडिकेटर जो जलेंगे। यहाँ से साउंड जो है ज़्यादा करनी हो, कम करनी हो, आप कर सकते हो। यहाँ से म्यूज़िक ऑफ कर सकते हो, यहाँ से जो है इसकी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। पूरा सिस्टम जो है इसका टोटली टच में दिया है। और जो राइट साइड पैसेंजर की सीट है वहाँ पे सिस्टम पूरा दिया है टच में, आप सीट को एडजस्टमेंट कर सकते हो। और ये है इसकी इनसाइड लुक, आप देख सकते हैं। और जो बैक साइड पैसेंजर बैठेंगे वो अपनी जो AC को यहाँ से जो है अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं, पूरा टच सिस्टम है, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ से इसका जो छत ओपन होता है ये आप देख सकते हैं, यहीं से बंद होता है, लाइट टच में है, डिक्की भी यहाँ से टच में खुलती है। ये है मर्सिडीज टॉप मॉडल है, ये आप देख सकते हैं। मैं आपको इसकी बैक साइड की लुक दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं। इसके बैक साइड में बच्चों के लिए गेम के लिए LCD लगी है। और जो बैक सीटें हैं वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप सेटिंग कर सकते हो आगे पीछे, पूरे टच में है। अभी ये देखो मैं गाड़ी को लॉक करने जा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं इसकी इनसाइड लुक। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जीली की तोगीला ऑटोमेटिक कार, ये आप देख सकते हैं इसकी इनसाइड लुक। ये स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग के राइट साइड में यहाँ पे स्टार्ट और स्टॉप का बटन है, यहाँ से गाड़ी स्टार्ट होती है, यहाँ से स्टॉप होती है। उसके बाद यहाँ से जो है इसका AC ज़्यादा काम आप कर सकते हो, यहाँ से पूरी सेटिंग AC की कर सकते हो। ये इसके फ्लैशर का बटन यहाँ पे है। और इसका जो म्यूजिक है पूरा टच में है, आप देख सकते हैं। उसके बाद ये इसकी हैंड ब्रेक है, ऊपर से नीचे दबाएंगे रिमूव हो जाएगी, और नीचे से ऊपर खींचेंगे तो ये जो है काम करना शुरू हो जाएगी, ऑटो पे भी रख सकते हो। उसके बाद
यहाँ से आप कॉल रिसीव कर सकते हो, कट कर सकते हो, और मोबाइल जो है यहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हो आप। उसके बाद यहाँ से जो है हेडलाइट की सेटिंग आप कर सकते हो, ये इसका सेंसर का बटन है। लेफ्ट राइट जो मिरर हैं उनकी सेटिंग यहाँ से होगी। ये लॉक अनलॉक का बटन है। फ्रंट और बैक जो डोर के मिरर हैं वो यहाँ से अप डाउन होंगे। डिक्की आपने खोलनी है तो इससे खुलेगी, ये बटन दिया है। और ड्राइवर सीट की सेटिंग यहाँ से होगी। उसके बाद ये है इसकी इनसाइड लुक। ये देखो ऊपर इसका छत ओपन है, और यहाँ से जो है इसका छत जो है बंद होता है, यहाँ से ओपन होता है। ये इसकी जो लाइटें हैं यहाँ से जलती हैं, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है बहुत, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे सब गाड़ियों में ये लीवर दिया गया है, ऑटोमेटिक कार जितनी भी हैं, तो हम जब ये लीवर पकड़ते हैं यहाँ से ये क्लच होता है, लीवर क्लच, उसको दबा के जो गियर लगाते हैं, इसका ये आप दबाएंगे तो गियर नहीं लगेगा, क्योंकि गाड़ी पार्किंग करने के लिए ये पी की जो लाइट जल रही है आप देख सकते हैं, और आगे मीटर में भी ये पी शो होगा। अभी कई सारे दोस्त नए हैं, वो ये यहाँ से लीवर पकड़ते हैं और ये दबा के गियर लगाने की कोशिश करते हैं, गियर नहीं लगेगा। जो गाड़ी को पार्किंग करते हैं ये ऐसे इसको अंदर पुश करेंगे, गाड़ी पार्किंग हो जाएगी। इसका जो क्लच लीवर है वो आगे दिया है, ये देख सकते हैं आप, ये आपने इसको दबाना, ये देखो इस पर जिली लिखा हुआ है, ये यानी आपने ये ऐसे पकड़ा और ये जो उंगली है उसको ऐसे आप दबाएंगे क्लच, इसको नहीं दबाना, ये आगे वाले को दबा के पीछे खींचेंगे, तो ये देखो डी की लाइट जलेगी और आगे चलने का गियर लग गया है, आगे मीटर में भी जो है डी वन शो होगा। फिर आपने ऐसे पकड़ना है, इसको नहीं दबाना है, आगे क्लच को दबा के आगे करेंगे न्यूट्रल और फिर आगे करेंगे, तो गाड़ी जो है बैक कैमरा लग जाएगा, ये इसका बैक गियर लग जाएगा, ये बैक कैमरा है, ये फ्रंट सेंसर, बैक सेंसर, फुल सेंसर गाड़ी है। उसके बाद आपने आगे से क्लच दबा के पीछे खींचेंगे न्यूट्रल और फिर पीछे खींचेंगे डी। अभी गाड़ी को पार्किंग करना है तो ये देखो ये लाइट नहीं जल रही है, अभी मैं इसको दबाऊंगा अंदर, ये पुश किया, ये देखो इसमें ऑरेंज कलर की लाइट जल रही है, गाड़ी पार्किंग हो गई है, आगे मीटर में भी जो है पीछे होगा। ध्यान रखें ये जो इसका लीवर है, यहाँ पे जो आम गाड़ी में यहाँ पे लीवर क्लच दिया है, हम ऐसे दबा के गियर लगाते हैं, इसका गियर नहीं लगेगा, इसका क्लच जो आगे है ये देखें आप, आपने ऐसे लीवर को पकड़ा और ये इसका आगे क्लच है ये वाला, इसको दबाना, ये देखो ये इसका क्लच, लीवर क्लच, ओके यहाँ से गाड़ी पार्किंग होगी। ये देखो अभी गाड़ी पी ऑरेंज कलर में है और यहाँ पे भी पी की लाइट जलेगी और आगे मीटर में भी जो है पी शो होगा। ओके दोस्तों, इसमें यही जो मेन चीज़ थी, मैं बहुत सारी वीडियो पहले भी डाल चुका हूँ जीली गाड़ी की, लेकिन ये न्यू आई है तो इसलिए मैंने देखा कि इसमें न्यू वर्जन एक चीज़ आई है तो मैंने आपको बता दिया। ये जो क्लच नहीं है, ये जो है यहाँ से गाड़ी पार्किंग होगी, क्लच इसका लीवर में आगे दिया है, आप ऐसे पकड़ेंगे आगे से दबाएंगे तो गियर लगेगा, नहीं तो आप जो मर्जी कर लो गाड़ी का गियर नहीं लगेगा। ओके दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ XT5 ऑटोमेटिक कार। ये आप देख सकते हैं इसकी इनसाइड लुक, ये इसका लागू है और ये इसका रिमोट है, यहाँ से लॉक होती है, यहाँ से अनलॉक, और आप इसको जो है 500 मीटर दूर से स्टार्ट भी कर सकते हो, इससे डिक्की भी खोल सकते हो। अगर गाड़ी कहीं आपको मिल नहीं रही है पार्किंग में तो आप ये दबाएंगे तो गाड़ी का जो है अलार्म हॉर्न बजना शुरू हो जाएगा। और ये स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग के राइट साइड में यहाँ पे स्टार्ट और स्टॉप का बटन दिया है। उसके बाद स्टीयरिंग के लेफ्ट साइड में यहाँ पे इसकी हैंड ब्रेक है, ऐसे दबाएंगे तो ये जो लग गई इसका ये आगे निशान भी शो होगा, और इसको ऊपर से नीचे दबाएंगे तो ये जो है रिमूव हो जाएगी। उसके बाद ये हेडलाइट की सेटिंग है, ये जो लेफ्ट राइट मिरर हैं उनकी सेटिंग यहाँ से होगी, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद फ्रंट और रेयर मिरर जो यहाँ से अप डाउन होंगे, लॉक अनलॉक ये दिया है। उसके बाद ये इसका सामने जो है एसी सिस्टम दिया है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से आप लो कर सकते हैं, हाई कर सकते हैं, ऑफ जो है टच में दिया है, ऑटो पे भी रख सकते हैं। और ये इसका म्यूज़िक सिस्टम है, आप देख सकते हैं ये इसका सामने म्यूज़िक सिस्टम है, पूरा टच में है। उसके बाद फोर इंडिकेटर यहाँ से चालू होंगे, टच में है, और सेंसर भी जो इसका टच में है, ये LCD में जो भी निशान दिए हुए हैं पूरे टच में जो काम करते हैं। ओके, वॉल्यूम जो है पूरी टच में दिया है, यहाँ से आप जो है वॉल्यूम ज़्यादा कम कर सकते हो। उसके बाद एक चीज़ इसमें बहुत मुख्तलिफ है, जो मेन है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ इसके गियर लगते हैं, ये इसका लीवर है, ये जो लेफ्ट साइड में ये क्लच है, आपने दबा के ये देखो अभी गाड़ी पार्किंग में है, आगे मीटर में भी जो है आप देख सकते हैं पी शो हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, क्लच दबा के पीछे खींचेंगे तो
तो ये इसका डी लगा जिसमें ऑटोमेटिक गाड़ी आगे चलती है और आगे मीटर में भी जो है डी लाल रंग में शो होगा। उसके बाद ये क्लच दबा के आगे करेंगे तो जो है गाड़ी अभी डी में फिलहाल। इसके थोड़े गियर जो मुख्तलिफ हैं ये आप देख सकते हैं, अभी एन जो है लाल रंग में हो गया है, आगे भी देख सकते हैं मीटर में एन रेड कलर में, गाड़ी न्यूट्रल हो गई है। और इसका जो बैक गियर है ये निशान दिख रहा है एन के लेफ्ट साइड में, ये आ रहा है, ये एरो इधर दिया है। आपने क्लच दबा के इसको लेफ्ट साइड खींचना है, आगे दबा के लेफ्ट साइड खींचेंगे तो आर जो है रेड कलर में हो जाएगा, आगे मीटर में भी जो है आर शो होगा। और ये इसका जो है बैक कैमरा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखें। दूसरी गाड़ियों से इसका जो गियर का लीवर है बहुत मुख्तलिफ है। पार्किंग करने के लिए पी को आप दबाएंगे तो ये गाड़ी पार्किंग हुई, यहाँ पे पी का निशान आ जाएगा और आगे मीटर में भी जो शो होगा। आप देख सकते हैं डी लगाने के लिए गाड़ी को आगे चलाना है, क्लच दबा के पीछे खींचेंगे, डी आसानी से लग जाएगा। और जो है फिर क्लच दबा के आगे करेंगे, जोर का आगे दबाएंगे तो न्यूट्रल हो जाएगा। और बैक गियर दबाने के लिए क्लच दबा के इसको लेफ्ट साइड पुश करना है आपने, आगे करके ये लेफ्ट साइड पुश करेंगे तो इसका बैक गियर लग गया। ओके, और पार्किंग करने के लिए ये गाड़ी अभी पार्किंग हो गई है। ओके दोस्तों, सभी दोस्तों से गुजारिश है मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। दोस्तों मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ फियाट की मीने कोबरा ऑटोमेटिक, ये इसकी इनसाइड लुक है, दूसरी गाड़ियों से बहुत ही ज़्यादा मुख्तलिफ है। ये स्टेयरिंग है, स्टेयरिंग के राइट साइड में यहाँ से चाबी से स्टार्ट होती है और अभी गाड़ी न्यूट्रल में है, आगे मीटर में भी एन शो होगा। उसके बाद बैक गियर इसका ये लीवर पकड़ के पीछे खींचना दो बार तो ये बैक कैमरा लग गया, आगे मीटर में आर शो होगा। और जो इसके आगे चलने के गियर हैं वो बहुत मुख्तलिफ हैं, अभी आपने ये किया तो इसका एक नंबर गियर लग गया है। और अगर चढ़ाई ज़्यादा है तो इसको ऐसे आपने पीछे खींचना प्लस के निशान में, इसमें माइनस प्लस दिया है, पीछे खींचेंगे तो आगे मीटर में दो शो होगा तो गाड़ी चढ़ाई में जो है चढ़ेगी फास्ट। और उसके बाद अगर ऐटो में रखना है, दो में ऐटो भी है, इसको राइट साइड पुश करना, ये ए एम लिखा है, माइनस में एक है, प्लस में दो है। अगर गाड़ी फिर भी नहीं चढ़ रही है तो ए एम में आप रख के ऐटो पे गाड़ी रख सकते हो। और गाड़ी जो है बंद करने के लिए आपने न्यूट्रल में बंद होगी, इसमें पार्किंग सिस्टम नहीं है, पी नहीं है, आपने ये लीवर को राइट साइड खींचना है और ये एन पे आगे दबा देना है। उसके बाद इसकी हैंड ब्रेक हाथ में है, ये एन पे रख के हैंड ब्रेक लगाएंगे तो गाड़ी जो है खड़ी हो जाएगी। उसके बाद लेफ्ट राइट जो मिरर है यहाँ से, अभी ये लेफ्ट साइड का मिरर देखो डाउन हो रहा है और अप करने के लिए इसको आगे की तरफ दबाएंगे तो शीशा ऊपर हो जाएगा। और राइट में भी सेम है, ये देखो यहाँ पे दिया है राइट का, अभी देखो मैंने मिरर डाउन किया है और अप करने के लिए इसको आगे दबा के रखना पड़ता है तो हो जाएगा। एसी का सिस्टम यहाँ पे दिया है ऑन ऑफ, ये आपको दिख रहा है, ऑटो भी रख सकते हो। ज़्यादा कम करना है तो दूसरी गाड़ी से मुख्तलिफ है, ये ऊपर से दबाएंगे, देखो अभी ज़्यादा करना है कम करना, ये देखो ऊपर नीचे दबाना पड़ेगा। और यहाँ से इसके फ्लैशर जो है चालू होते हैं, ये आगे इसका म्यूजिक सिस्टम दिया है और लेफ्ट राइट मिरर की सेटिंग यहाँ पे दी है, ये है फियाट। और इसका अभी देखो ऊपर जो है छत ओपन है, छत बंद करने के लिए दो स्विच दिए हैं, ये आप देख सकते हैं, ये इसका स्विच दिया है, देखते हैं इसका, ये छत जो है ऊपर से क्लोज हो रहा है, ये देखो। ये अभी रुका, आप देख सकते हैं अभी जो है इसका छत जो है बंद हो गया है। और छत खोलने के लिए ऊपर से ये स्विच को दबाएंगे, छत खुलेगा, ये देखो, ये अभी कंप्लीट जो है गाड़ी बंद हो गई। आप इसको ओपन भी रख सकते हो और जो है बंद भी कर सकते हो। ये है मिनी फियाट की गाड़ी है, मिनी कोबरा। ये इसकी इनसाइड लुक है, कंफर्टेबल, दो आदमी बैठ सकते हैं, एक दो पीछे भी बैठ सकते हैं, लेकिन डबल डोर नहीं है, आपको डोर खोल के सीट को आगे करना होगा, फिर जो है पीछे दो आदमी और बैठ सकते हैं। जब गाड़ी को बंद करना हो तो न्यूट्रल पे रख के हैंड ब्रेक लगा के आप जो है बंद कर सकते हो। ये
ये इसका अभी न्यूट्रल में है और बैक गियर यहाँ पे लगेगा, और ये वन और ये टू, और ये इसके हैवी पावर गियर। लेफ्ट राइट मिरर जो डाउन करना है ये स्विच है, एसी का ये सिस्टम दिया है। एसी ज़्यादा काम करना है ये यहाँ से होगा, फ्लैशर यहाँ पे है, ये इसके लाइट की सेटिंग दी है, बाकी ये म्यूजिक सिस्टम है सामने।